अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का काम लिख रहे हैं। फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, आज ना मैं आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक आइडिया लेकर आई हूँ। कभी भी ऐसा हो आपके साथ कि आपने जो भी ट्राउज़र में लास्टिक डाला है या जो भी चीज़ है आपकी, लास्टिक का साइज़ आपका छोटा हो गया है, तो उस लास्टिक के साइज़ को आप इंक्रीज़ कैसे कर सकती हैं, बड़ा कैसे कर सकती हैं, जिसमें ना तो आपको मेहनत करनी पड़े, ना इसमें से लास्टिक को निकालना पड़े, और इजीली जो है आप लास्टिक का साइज़ जो है 2 से 4 इंच तक जो है वो बढ़ा सकती हैं। अब ये जो इसका साइज़ है ये है 12 इंच का, और मुझे इसको जो है तकरीबन 14 इंच करना है। मुझे 2 इंच इसकी इलास्टिक को जो है बढ़ाना है। तो ये इतना इजी तरीका है, ये अक्सर हो जाता है बच्चों के ट्राउज़र के जो हैं वो इलास्टिक टाइट हो जाते हैं, या मार्केट से आप कोई भी रेडीमेड ट्राउज़र लेके आई हैं, आपको उसका जो है वो इलास्टिक थोड़ा टाइट लग रहा है, कोई भी मसला लग रहा है, तो आप इसको 2 से 4 इंच तक ईजीली बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, इसके सेंटर में ये जो सिलाई लगी होती है ना, ये वाली, सिर्फ इस सिलाई को आपने इस धागे से ये वाला जो है ना ये उधेड़ लेनी है। बस एक सिलाई, सिर्फ ये वाली सिलाई आपने इसको उधेड़ लें पहले। उधेड़ने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है। अच्छा जी, मैंने ना ये सारी जो सिलाई है ना इसके ऊपर वाली, ये देखें, ये सारी सिलाई जो है मैंने उधेड़ ली है, ठीक है। अब ये इस तरह से पड़ी है, एक साइड से आप चाहे फ्रंट वाली साइड से, बैक वाली साइड से, कहीं से भी ना, सिर्फ आपने उतना पोर्शन आपने इसको अब उधेड़ना है। आपने सबसे पहले जो आपने ये देखना है आपको इसको चौड़ा कितना करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे 2 इंच इसको बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 3 इंच का जो है वो निशान लगाना है। 1 इंच आपने, अगर आप 4 इंच बढ़ा रही हैं तो आप 5 इंच का निशान लगाइएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे निशान लगाना है। अगर जैसे मैंने आप 2 इंच बढ़ाना है तो मैं 3 इंच का, मतलब 1 इंच आपने जिस साइज़ में भी आप बढ़ाना चाह रही हैं, मतलब 4 से ज़्यादा तो अच्छा लगेगा ही नहीं ना, जो भी मैं स्टाइल बता रही हूँ, 4 इंच से ज़्यादा आप खुला नहीं करें मेरे हिसाब से, मैं आपको जो क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसको इस तरह से किया, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से धागा जो है इसका निकाल लेती हूँ, ये उधर जाएगा थोड़ा सा, ये देखें, इसकी चुन्नट को आपने इस तरह से साइड पे कर देना है। अब मुझे 2 इंच बढ़ाना है, लेकिन मैं इसको 3 इंच रखूँगी, तो उसका मतलब ये है कि ये सेंटर है, 1.5 इंच इस साइड पे, 1.5 इंच इस साइड पे मैंने निशान लगाना है, ठीक है। आपको समझ आ गई है, मैंने 2 इंच बढ़ानी है लास्टिक, निशान मैंने 3 इंच के हिसाब से लगाना है, मतलब मुझे गैप जो है वो 3 इंच का देना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसका रीज़न क्या है। अच्छा जी, 1.5 इंच मैंने इस साइड पे निशान लगाना है, 1.5 इंच इस साइड पे, तो 3 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, लास्टिक का सेंटर से सारा चुन्नट साइड पे पहले करना है, फिर आपने निशान लगाना है। ये नहीं हो कि ऐसे करके यहाँ पे चुन्नट पड़ रहे हो और आप इस पर निशान लगा दें, आपने इसको पहले साइड पर कर लेना है, उसके बाद निशान लगाने हैं। इसके बाद आप ऐसा करें कि ये जो लास्टिक होती है, अगर तो आपने ये जो लास्टिक जब इसमें लगाई थी और ये वाला इसका पोर्शन जिधर से हमने कट लगा के हम इसको जोड़ के गोल करते हैं, अगर तो वो हिस्सा यहाँ पे है तो ठीक है, वरना आप अदरवाइज़ यहाँ से इसको खींच के तो इस किसी भी तरह से इस हिस्से को आप फ्रंट वाली साइड पर ले आएँ, ठीक है। अब मैंने इसको जो है, आप चाहें तो इसको उधेड़ लें, अगर आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 इंच जो है वो इसी वजह से एक्स्ट्रा लिया है कि ये भी चला जाएगा। 1 इंच बढ़ाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये हमने कट करना है, ये सेंटर से निकल गया। अब इस हिस्से को मैंने एक पिन लगानी है, इस लास्टिक को जो मैंने निशान लगाया है इस निशान से थोड़ा सा पीछे करना है, ये देखें, अब ये देखें ये निशान है, और लास्टिक थोड़ा सा आगे रखना है, ये 1 इंच का इसीलिए गैप रखा है, थोड़ी सी कटिंग लास्टिक की हो गई है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी रखना है। ये देखें, यहाँ मैंने एक पिन लगा दी, अब इस साइड पे चलते हैं, इस लास्टिक को भी पीछे कर लें, इसे भी पीछे करके बिल्कुल ये देखें ये निशान आ रहा है, और लास्टिक जो है थोड़ा सा आगे वाली साइड पर रखना है, बस थोड़ा सा, एक पैर की सिलाई जिस तरह से होती है ना उस तरह से, और इसको भी पिन कर लें, ये देखें। अब इस तरह से करने के बाद आप इस लास्टिक को थोड़ा सा सेट करें, ज़्यादा खींचे नहीं क्योंकि अभी हमने पिन लगाई है, खींचने के बाद
आप इसको चेक करें कि आपको जो साइज़ चाहिए, आपको रिक्वायर्ड है जो साइज़, वो साइज़ बन गया। अगर तो वो साइज़ नहीं बन रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा इलास्टिक को और साइड पे करते हैं। अगर खुला लग रहा है थोड़ा सा इलास्टिक को आगे वाली साइड पे करते हैं। हमेशा आपने 1 इंच ज़्यादा का गैप लगा के ये निशान लगाने हैं। इस तरह से आपकी जो है वो बिल्कुल सेट आएगी। अब चले मैं आपको बताती हूँ इसको हमने कवर कैसे करना है। एक साइड से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से किनारे से आप शुरू करें और यहाँ तक ले आएँ। यहाँ पे हमने निशान लगा के रखा है, पिन को मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। इसको घुमा के इस तरह से इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इलास्टिक को आपने थोड़ा सा आगे ही रखना है ताकि वो सिलाई में अच्छे से आ जाए और बाद में निकलने का थोड़ा डर नहीं हो। थोड़ा सा आगे ही रखना है इस तरह से। डबल सिलाई लगा दें, ट्रिपल लगा लें, मतलब उसको अच्छे से आपने ना सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। और इसी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए आगे आ जाएं और दूसरे निशान तक आ जाएं। दूसरे निशान पे आके इसको फिर टर्न करके यहाँ पे 2-3 सिलाई लगा दें ताकि इलास्टिक जो है वो अच्छे से पक्का हो जाए और उसके निकलने का ख़तरा नहीं रहे। ठीक है, इस तरह से अब इसको निकाल लें। ठीक है, अच्छे से पक्का कर लिया मैंने, धागे वगैरह कट करने हैं तो करके। तो इसको आप इलास्टिक को आपने अच्छे से, जो इलास्टिक बाकी की बच गई है ना, ये देखें साइड वाला बिल्कुल आपने साइड पे आ जाए, बैक साइड का बिल्कुल सेंटर में आ जाए और ये इक्वल जगह पे आ जाए। बिल्कुल जैसे सेट करते हैं ना इलास्टिक डाल के, बिल्कुल सेम टू सेम आपने वैसे सेट करना है ताकि शलवार जो है अब आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। फिर उसके बाद आराम से ऊपर रख के आपने सिलाई लगा देनी है, जिस तरह से जिस सिलाई को हमने उधेड़ा था उसी सिलाई को हमने उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इतनी आसानी के साथ, इतने आराम से, बिना इलास्टिक निकाले इजीली ये काम आपका हो जाएगा। तो ये जो है जी, इस तरह से ये फ्रंट वाली साइड से हमने इलास्टिक को जो है वो लेस कर दिया, यहाँ से निकाल दी है और साइड पे हमारी इलास्टिक आ गई है। अगर आप चाहें तो एक ऑप्शन और है, आप इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा, जब आप उधेड़ते हैं थोड़ा सा तो इसके अंदर आप जो है चेपी बुकरम लगा सकती हैं यहाँ से, अगर हार्ड करना है तो। अगर मुझे हार्ड नहीं करना था, मुझे यहाँ से सॉफ्ट ही चाहिए है बेल्ट, तो ये एक बेल्ट वाली जो है वो शेप जिस तरह से आ जाती है ना, ये फ्रंट वाली साइड पर बेल्ट मतलब नहीं है, इलास्टिक नहीं है, साइड पर सारा इलास्टिक आ गया। तो ये इतनी आसानी से हो गया ये देखें, और आपका साइज़ आप जितना इंक्रीज़ करना चाहें वो हो जाता है और इतना आसानी से हो जाता है कि आपको सारा इलास्टिक भी नहीं निकालना पड़ा और ज़्यादा दोबारा से नई इलास्टिक भी नहीं डालनी पड़ी और ज़बरदस्त तरीके से ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो और आज की टिप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।